उपचुनाव में हार के बाद एनडीए को एक और जोर का झटका लगा है। हार से एनडीए का कुनबा बिखरने की शुरुआत हुई है या नहीं, ये तो फिलहाल पता नहीं, लेकिन लंबे समय से एनडीए के वफादार और खास रहे चंद्रबाबू नायडू ने आखिरकार मुंह फुलाकर एनडीए को डिवोर्स दे ही दिया है। अब एनडीए से चंद्रबाबू नायडू का ये अलगाव हार का साइड इफेक्ट है या फिर उनकी पुरानी नाराजगी है, ये तो चंद्रबाबू नायडू ही अपने दिल में बखूबी जानते होंगे, लेकिन कयास लगाने वालों ने कयास लगाना तो शुरू कर ही दिया है। अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, तमाम पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से अपने गठबंधन को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, लेकिन मोदी सरकार के लिए विपक्षी दलों से कहीं ज्यादा साथी दल ही मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी ने एनडीए से अलग होने का आधिकारिक फैसला किया है। पार्टी की ओर से जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। पार्टी ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर वाईएसआर कांग्रेस की ओर से शुक्रवार को संसद में लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन का भी ऐलान किया है। इससे पहले चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार शाम को अपने सांसदों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी। खबर है कि नायडू जल्द ही ईमेल और फैक्स के जरिए इसकी आधिकारिक जानकारी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को देंगे। एनडीए से अलग होने का फैसला लेते हुए टीडीपी ने बीजेपी पर आंध्र प्रदेश के साथ सही बर्ताव नहीं करने का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें कि टीडीपी काफी लंबे समय से आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही थी। पिछले दिनों जब जेटली ने टीडीपी की मांग को मानने से इनकार कर दिया था, उसके बाद टीडीपी के सभी मंत्रियों ने मोदी सरकार से इस्तीफा दे दिया था। इसके जवाब में नायडू सरकार में शामिल बीजेपी के मंत्रियों ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया था। एक बार को ऐसा लगा जैसे ये गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब उपचुनावों में हार के बाद टीडीपी का यह ताजा ऐलान एनडीए के लिए किसी बड़े नासूर से कम नहीं है। एक तरफ जहां शिवसेना खुलेआम मोदी सरकार की आलोचना कर रही है, वहीं अकाली दल भी परोक्ष रूप से बीजेपी के प्रति अपनी नाराजगी साफ जाहिर कर चुका है, और अब टीडीपी का नया जख्म। जाहिर है कि जिस तरह से एक के बाद एक बीजेपी के सहयोगी एनडीए को घाव दे रहे हैं, उससे इतना तो साफ है कि 2019 में एनडीए या यूं कहें कि बीजेपी की राहें आसान नहीं रहने वाली। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।